बेंगलोर में विशेष अदालत में यह फैसला सुनाया जाएगा और वहां के हम आपको दृश्य दिखा दें, जबरदस्त सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं और एक तरह से लोगों की भीड़ जरूर है लेकिन तीन लेयर में पुलिस की मौजूदगी वहां पर आप देख सकते हैं। जिस तरीके से हर रोड को ब्लॉक कर दिया गया है जो कि अदालत की तरफ जाता है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता अदालत में पहुंच चुकी है। 17 बरस पुराना ये मामला है, आय से अधिक संपत्ति का मामला, और इसमें कन्विक्टेड होते ही उन्हें पद छोड़ना पड़ेगा। सियासत दोनों जगह की गर्म है और खासतौर से चूंकि बेंगलोर और जो हमारे सहयोगी रामचंद्रन साहब जो बता रहे हैं कि दोनों जगह हो सकता है पटाखे फूटे, ये भी होगा कि लड्डू बटे। लेकिन टीआर रामचंद्रन साहब, एक सवाल तो है कि दूसरी तरफ डीएमके भी इस दौर में सबसे कमजोर है और जिस बात का आपने जिक्र किया कि आखिर में लगाम तो हाथ में रहेगी जयललिता के, लेकिन क्या ये स्थिति डीएमके को दोबारा ऑक्सीजन देने का काम भी तो करेगी? देखिए, मेरे ख्याल में सबसे अहम मुद्दा यह है कि जयललिता जी ने जो शानदार जीत हासिल की लोकसभा इलेक्शन में, उसमें डीएमके बिल्कुल ही खत्म हो गया था। अब डीएमके के पास कोई एक पार्टी भी जाने के साथ नहीं थी। डीएमके की हालत खराब है क्योंकि उनका बड़ा बेटा है वो पार्टी छोड़ के अलग हो गया और उसकी करामत साउथ तमिलनाडु में बिल्कुल अपने पकड़ में थी, तो उनको वहां से एक भी सीट नहीं मिली। तो हार तो उनको हारना तो था ही, पर उनकी हालत पॉलिटिकली बहुत खराब है इस वक्त। और छोटे बेटे ने कहा है, जो करुणानिधि साहब को रिप्लेस करने वाला है, उसने कहा है कि अगले इलेक्शन में भी अगर हम जीते तो करुणानिधि साहब ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मेरे ख्याल में उस पार्टी की हालत इस वक्त बहुत ही खराब है और मेरे ख्याल में वो कुछ चांसेस नहीं लेंगे। और जयललिता जी ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि यह हालत पॉलिटिकल वेंडेटा के तौर पे करुणानिधि साहब ने उनके ऊपर यह केस थोपा है। अब उनको यहाँ रिहाई मिल जाती है तो मेरे ख्याल में वो अभी तक वो बहुत कम केसेस में कहीं फंसी हैं, बट यहाँ पर अगर उन्हें रिहाई मिल जाती है तो उनके लिए एक बहुत बड़ा शॉर्ट इंतजाम होगा। ओके, संजय हेगड़े जी, क्या आज के दिन ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ फैसला सुनाया जाए, सजा नहीं दी जाए? नहीं, फैसला और सजा ऐसे केसों में एक साथ ही होता है, यानी एक ही दिन में होता है। एक बात है कि ये जो सेक्शन 13(1)(e) है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, आखिरकार मामला होता है सिर्फ अकाउंटेंसी का कि आपकी आय इतनी थी नॉन सोर्सेस से और आपकी संपत्ति इतनी है, तो प्रोसिक्यूशन को यह प्रूव करना पड़ता है कि इतनी संपत्ति इनके पास इनकी ही थी और इनकी आय इनकी आमदनी सिर्फ इतनी ही थी। तो अगर वो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है तब मामला प्रूव होता है। तो हर ऐसे डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स केस में नॉर्मली एविडेंस यही रहता है कि नहीं नहीं नहीं, ये संपत्ति मेरी नहीं थी, ये किसी और की है, ये किसी और इस पे ये कर्जा था, इस कर्जे के कारण हम ये एसेट बन गया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो हर मामला एविडेंस पे ही चलता है और सारे एविडेंस और टोटलिंग के बाद थोड़ा बहुत मार्जिन ऑफ टॉलरेंस भी है। तो ये कहना कि ये ओपन एंड शट केस है वो मैं नहीं मानता हूँ, पर इसमें अगर कन्विक्शन पर हो जाए तो फिर ऑटोमेटिकली डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है और कन्विक्शन के बाद वो चीफ मिनिस्टरशिप तो उनको छोड़ना ही ऑटोमेटिकली। अगर ये स्थिति आती है कि आप यहाँ कन्विक्ट